इंडिया टुडे समूह ने आज तक टीवी चैनल के लिए काम करने वाले एक पत्रकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेशरम बताने वाले ट्वीट के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसकी जानकारी खुद पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने 19 जुलाई को ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी पर ये ट्वीट लिखने के लिए मुझे अपने चैनल आज तक से निकाल दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने एक ट्वीट में श्याम मीरा सिंह ने लिखा था, कौन कहता है प्रधानमंत्री का सम्मान करो, उन्हें पहले मोदी से प्रधानमंत्री पद का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, यहाँ ट्विटर पर कुछ लिखता हूँ तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं, मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूँ, पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी बेशरम प्रधानमंत्री है। श्याम मीरा सिंह ने अपने और कंपनी के बीच संचार के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट किए, जिसमें विशिष्ट ट्वीट दिखाए गए जिससे उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। स्क्रीनशॉट में उनके दोनों ट्वीट संलग्न थे। पत्रकार के ट्वीट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। श्याम मीरा सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और कई लोगों ने इंडिया टुडे ग्रुप को सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में दोहरा मापदंड दिखाने के लिए फटकार लगाई। कुछ ने याद दिलाया कि कैसे मीडिया समूह ने उन कर्मचारियों के लिए आंखें मूंद ली जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल भाजपा सरकार की प्रशंसा करने के लिए किया था। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किसी पत्रकार को पीएम मोदी या मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ कहने पर सजा दी गई हो। इससे पहले भी देश भर में कई पत्रकारों को प्रधानमंत्री पर नकारात्मक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए अपने संगठनों के अंदर से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2019 में आज तक के एंकर निशांत चतुर्वेदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपनी वर्गवादी, नस्लवादी, ज़िनोफोब और जातिवादी टिप्पणी के लिए कंपनी की तथाकथित सोशल मीडिया नीतियों का उल्लंघन करने के लिए अपनी नौकरी नहीं खोई थी।